एक पर्सन जो किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के रिगार्ड में एक्यूज्ड है, विच मीन्स जिसके ऊपर किन्हीं ऑफेंसेस के चार्जेस लगे हुए हैं। अगर वो पर्टिकुलर पर्सन उन ऑफेंसेस के रिस्पेक्ट में कन्फेशन करता है पुलिस कस्टडी में, तो क्या ये रेलेवेंट कन्फेशन माना जाएगा? क्या ये वैलिड कन्फेशन माना जाएगा? क्या इस पर्टिकुलर कन्फेशन को उसके अगेंस्ट एविडेंस के तौर पे ट्रीट किया जाएगा? हमारे एविडेंस एक्ट का सेक्शन 26 इसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ को क्लियर करता है। अपने कुछ क्लासेस में हमने कन्फेशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, प्रॉपर नोट्स, इलस्ट्रेशंस एंड विथ केस लॉज। हमने सेक्शन 24 को डिटेल में समझा, सेक्शन 25 को हमने कवर किया। इसी रेस्पेक्ट में आज हम सेक्शन 26 से डील करेंगे, राइट? आप जानते हो कि हमारे एविडेंस एक्ट का सेक्शन 24 से लेकर के 30 तक के जो प्रोविजंस हैं वो डील करते हैं कन्फेशन से। एडमिशन और कन्फेशन के कॉन्सेप्ट को हमने एकदम अच्छे से समझा है, और अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे होगे तो इन दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर आपको क्लैरिटी समझ में आ जाएगा, राइट? अब देखो, सेक्शन 25 क्या कहता है। सेक्शन 25 ये कहता है कि कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। अगर एक पर्सन जो कि एक्यूज्ड है वो कन्फेशन करता है पुलिस ऑफिसर के सामने, तो वो कन्फेशन उसके अगेंस्ट में एविडेंस के तौर पे नहीं माना जाएगा। सेम इसी रेस्पेक्ट में सेक्शन 26 कहता है, कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। अगर एक्यूज्ड अपने ऑफेंस के रिगार्ड में कन्फेशन देता है पुलिस कस्टडी में, तो उसके द्वारा दिए गए इस पर्टिकुलर कन्फेशन को उसके अगेंस्ट हम एविडेंस के तौर पे नहीं मानेंगे। तो सेक्शन 26 क्लियरली कहता है, कन्फेशन बाय एक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, राइट? अब देखो, एक्यूज्ड कौन है? हु कैन बी कॉल्ड एज एक्यूज्ड पर्सन? अभियुक्त किसे कहेंगे, या अपराध के संबंध में, आपको हिंदी भी जानना चाहिए, ठीक है? अपराध के संबंध में अभियुक्त कौन है या कौन होता है? Who can be called as an accused of an offence? तो इस चीज को क्लियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमणि के केस में ये कहा कि accused of an offence का मतलब उस पर्सन से है जिसके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया गया है, और उन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में उसके अगेंस्ट में एविडेंसेस पेश किए गए हैं। उस पर्टिकुलर पर्सन को हम कहेंगे accused of an offence, राइट? तो सेक्शन 26 कहता है, कन्फेशन बाय accused while in custody of police not to be proved against him. आगे इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम कंप्लीट पढ़ते हैं। देखो,
no confession made by any person whilst he is in the custody of police officer, unless it is made in the immediate presence of magistrate, shall be proved as against such person. This particular section states that ये जो section 26 है वो ये कहता है कि एक person जो कि accused है किसी offence के regard में, वो confession देता है पुलिस कस्टडी में, तो वो रेलेवेंट नहीं होगा, वो कन्फेशन उसके अगेंस्ट में एविडेंस के तौर पे नहीं माना जाएगा जब तक कि वो कन्फेशन इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने ना किया गया हो, राइट अब देखो एक वर्ड है आपका इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट यानी एक्यूज्ड अगर अपने ऊपर लगे ऑफेंसेस के रिगार्ड में कन्फेशन देता है पुलिस कस्टडी में, और वहीं पे क्या होता है इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट होता है, यानी देयर इज इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट व्हाइल ही इज मेकिंग कन्फेशन इन द पुलिस कस्टडी, तब वो कन्फेशन रेलेवेंट माना जाएगा और उसके अगेंस्ट में एविडेंस के तौर पे माना जाएगा बिफोर द कोर्ट. नाउ व्हाट इज इमीडिएट presence of magistrate mean, देखो जिस particular time पे, जिस particular point of time में और जिस place पर accused confession देता है police custody में, magistrate उस particular point of time में और उस particular place पर present रहता है उस दौरान, तो ये कहलाएगा इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट. ठीक है, तो सेक्शन 26 स्टेट्स दैट नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन व्हाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर अनलेस इट बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट सच पर्सन. ठीक है, तो अगर इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट रहता है तो उस पर्सन के द्वारा दिया गया कन्फेशन उसके अगेंस्ट में माना जाएगा. ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर सेक्शन का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है. अब देखो ये पर्टिकुलर सेक्शन एनी पर्सन यानी सभी प्रकार के पर्सन्स के बारे में बात किया जा रहा है, नॉट ओनली accused बट उन सभी पर्सन्स के बारे में बात किया जा रहा है जिनका इन्वॉल्वमेंट है क्राइम में. ठीक है, अब देखो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है. इन दिस सेक्शन मजिस्ट्रेट डज नॉट इंक्लूड द हेड ऑफ अ विलेज. इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो मजिस्ट्रेट वर्ड है डज नॉट इंक्लूड द हेड ऑफ विलेज डिस्चार्जिंग मजिस्ट्रियल फंक्शंस इन द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज और एल्सवेयर अनलेस सच हेडमैन इज अ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग द पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1882. अब समझो इंडियन एविडेंस एक्ट किस ईयर का है, 1872 का है. एट प्रेजेंट हमारा जो सीआरपीसी है वो 1973 की है.
ये जो सीआरपीसी है 1973 की, इसने सीआरपीसी 1882 को रिपील किया है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो मजिस्ट्रेट है, इट डज नॉट इंक्लूड हेड ऑफ विलेज। मजिस्ट्रेट में हेड ऑफ विलेज नहीं आएगा जो मजिस्ट्रियल फंक्शंस को परफॉर्म करता हो। तो हेड ऑफ विलेज जो मजिस्ट्रियल फंक्शंस को परफॉर्म करता है इन द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज और एल्सवेयर, वो मजिस्ट्रेट नहीं कहलाएगा। मजिस्ट्रेट वही कहलाएगा जो इस पर्टिकुलर कोड यानी सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के जो फंक्शंस दिए गए हैं उन फंक्शंस को डिस्चार्ज करता हो, उन फंक्शंस को एक्सरसाइज करता हो, वही यहाँ पे मजिस्ट्रेट कहलाएगा। और उसी पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट का अगर इमीडिएट प्रेजेंस है तो वो कन्फेशन रेलेवेंट माना जाएगा, वो कन्फेशन उसके अगेंस्ट एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आई होप सेक्शन 26 क्या कहता है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो केस है आपका ZL एरियल वर्सेस स्टेट ऑफ MP, इसे हम ZB प्रोनाउंस करते हैं। तो ZL एरियल वर्सेस, ZL एरियल वर्सेस स्टेट ऑफ MP। इस पर्टिकुलर केस में इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट के मीनिंग को ड्रॉ किया गया और कहा गया इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट परपोर्ट्स द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट एट द सेम टाइम एंड इन सेम प्लेस व्हेन एंड वेयर एक्यूज्ड मेड कन्फेशन। तो एक्यूज्ड जब और जहां कन्फेशन करता है मजिस्ट्रेट, उस समय उस जगह पे प्रेजेंट रहता है। दिस इज नोन एज इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, ZL एरियल वर्सेस स्टेट ऑफ MP, राइट। चलिए, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को बहुत ही इजी वर्ड्स में समझाया गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ। आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को अगर एक बार पढ़ोगे इस वीडियो को देखने के बाद तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक और केस है, इन द स्टेट ऑफ UP वर्सेस सिंघारा सिंह। इन स्टेट ऑफ UP वर्सेस सिंघारा सिंह, इन स्टेट ऑफ UP वर्सेस सिंघारा सिंह, सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन दैट द कन्फेशन मेड इन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट इज एडमिशिबल ओनली व्हेन द सेम इज ऑब्टेन्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC। हमारे CRPC का सेक्शन 164 बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स के बारे में बात करता है। हमारे CRPC का सेक्शन 164 टॉक्स अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स। और CRPC के सेक्शन 164 में वो सभी ग्राउंड्स मेंशन्ड हैं जिन ग्राउंड्स को फॉलो करते हुए अगर एक्यूज्ड कन्फेशन देता है
जैसे वॉलंटरली कन्फेशन होता है, ठीक है, तो पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने अगर एक्यूज्ड सेक्शन 164 के ग्राउंड्स को फॉलो करते हुए या पुलिस या मजिस्ट्रेट सेक्शन 164 में मेंशन ग्राउंड्स को फॉलो करते हुए एक्यूज्ड से कन्फेशंस ऑब्टेन करते हैं तो वो रेलेवेंट होंगे और वो कन्फेशन एक्यूज्ड के अगेंस्ट में एविडेंस के तौर पे माना जाएगा। जैसे अगर आप सेक्शन 164 के प्रोविजंस को देखो सीआरपीसी के, तो यहां कहता है एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वेदर और नॉट ही हैज जुरिस्डिक्शन इन द केस, भले ही उस पर्टिकुलर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या उस पर्टिकुलर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन ना हो, उस पर्टिकुलर केस में कन्फेशन रिकॉर्ड करने को लेकर के, तो भी वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अंडर दिस चैप्टर, इस सीआरपीसी के तहत, सीआरपीसी के इस पर्टिकुलर चैप्टर के तहत और अंडर एनी अदर लॉ या किसी अदर लॉ के तहत जो उस समय फोर्स में होगा, और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है, तो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी या ट्रायल के पहले किसी भी समय वो कन्फेशंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट, फर्दर ये कहता है एनी कन्फेशन या स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सबसेक्शन, यानी सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी के तहत मे ऑल्सो बी रिकॉर्डेड, इस पर्टिकुलर कन्फेशन या स्टेटमेंट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट के प्रेजेंस में, और वो एडवोकेट किसके साइड का होगा, एक्यूज्ड के साइड का होगा, एडवोकेट ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, ठीक है। तो सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी को एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये जो हमारा केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघारा सिंह, इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया कन्फेशन मेड इन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, अगर एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में बिफोर द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट कन्फेशन देता है, इज एडमिसिबल ओनली व्हेन द सेम इज ऑब्टेन्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। तो वो कन्फेशन तो दे रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर कन्फेशन सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के प्रोविजंस को फुलफिल करता हो तभी वो एडमिसिबल होगा, ठीक है, ओके। अब देखो, एक है हमारा पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी मीन्स फिजिकल कस्टडी ऑफ एक्यूज्ड, फिजिकल कंट्रोल ऑफ एक्यूज्ड इन द हैंड्स ऑफ पुलिस आफ्टर अरेस्ट, ठीक है। या आप कह सकते हो पुलिस कस्टडी का मतलब होता है डिटेंशन ऑफ पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग एंड इन्वेस्टिगेशन आफ्टर अरेस्ट। तो जब एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में डिटेन किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ क्वेश्चनिंग, वो पर्टिकुलर सिचुएशन को हम कहते हैं
यू आर अंडर पुलिस कस्टडी, ठीक है। पुलिस कस्टडी इज ऑफ टू काइंड्स, एक डायरेक्ट कस्टडी जिसमें आपको रस्सी से बांध दिया जाएगा एंड पुटिंग हैंडकफ्स, हथकड़ी लगा दी जाएगी, और दूसरा है फिजिकल और कॉर्पोरियल कस्टडी। नाउ देखो, पुलिस कस्टडी इज नॉट ओनली कॉर्पोरियल कस्टडी, रेदर इट इज सीन दैट वेदर और नॉट एक्यूज्ड इज फ्री टू मूव, इफ नॉट ही शैल बी सेड टू बी इन कस्टडी पुलिस। तो पुलिस कस्टडी हम तब मानेंगे जब एक पर्सन पूरी तरह से पुलिस के कंट्रोल में होगा, इवन उसके मूवमेंट पर भी क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन होगा, तो वो कहलाएगा पुलिस कस्टडी, ठीक है। नाउ व्हाट इज जुडिशियल कस्टडी, देखो जुडिशियल कस्टडी मींस जब एक्यूज्ड को कोर्ट में लाया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो वो कहलाता है जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। जुडिशियल कस्टडी टेक्स प्लेस व्हेन द एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी ऑफ कोर्ट, जब एक्यूज्ड कोर्ट के कस्टडी में होगा तो कहलाएगा जुडिशियल कस्टडी। और ऑल्दो द पुलिस वॉच इज इन एग्जिस्टेंस, तो वहां पर भी आप पुलिस के निगरानी में रहते हो, यू आर अंडर द सुपरविजन ऑफ पुलिस व्हाइल यू आर इन जुडिशियल कस्टडी। कन्फेशन मेड इन कॉम्प्लाइंस ऑफ सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी इज एडमिशिबल इन एविडेंस, ठीक है। तो अगर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी के कंप्लायंस को फॉलो करते हुए कन्फेशन लिया जा रहा है तो वो कन्फेशन एडमिसिबल होगा इन द कोर्ट, ठीक है। अब देखो एक और केस है हमारे पास, स्टेट ऑफ आसाम वर्सेस एमके दास, स्टेट ऑफ आसाम वर्सेस एमके दास। देखो, अ कन्फेशन और एडमिशन मेड बाय अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बिफोर और व्हाइल इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिशिबल इन द कोर्ट। तो अ पर्सन हु इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, वो कन्फेशन करता है या एडमिशन करता है बिफोर और व्हाइल इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, तो वो एडमिशिबल नहीं है, वो पर्टिकुलर कन्फेशन एडमिशिबल नहीं है इन द कोर्ट। लेकिन ये जो सेम रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज में, विभागीय जांच में। तो ये कहा गया स्टेट ऑफ आसाम वर्सेस एमके दास, ठीक है। तो ये था सेक्शन 26 जिसे मैंने अपने पूरे एफर्ट्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करी। तो एक बार आप वीडियो को एंड तक देखो, फिर आप बेयर एक्ट खोलो और उसके प्रोविजंस को ध्यान से पढ़ो, आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर ये मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस किसी भी मैनर में आपको हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। 1 साल से ऊपर हो गया है और अभी भी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।